बुराज देखन मैं चला बुरान मिलिया कोय, जब घट खोजा आपना मुझसा बुरान कोय। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉरी एंड थैंक्स की। हमारे जीवन में सॉरी एंड थैंक्स, इन दो शब्दों का क्या इंपॉर्टेंस है? हमें सॉरी एंड थैंक्स क्यों बोलना चाहिए? दोस्तों, शब्द बहुत ही छोटे से हैं, लेकिन इनका मतलब, इनका भावार्थ बहुत ही गंभीर है, व्यापक है। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सॉरी। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। गलती का एहसास, यदि आपसे कोई गलती हुई है तो आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, और ईगो यानी घमंड का त्याग करके सॉरी बोलकर अपनी गलती का सुधार कर लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, संबंधों में मधुरता एवं जीवन में खुशियों की सौगात आएगी, संबंध अच्छे बनेंगे, जीवन में खुशियां आएंगी, सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा, पॉजिटिव एनर्जी का विकास होगा। निर्मल मन से सकारात्मक परिवर्तन संभव है। जब हम सॉरी बोलेंगे तो हमारा मन कैसा होगा, निर्मल होगा। ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ईगो यानी घमंड, इनसे मुक्त होगा, फ्री होगा। तो निर्मल मन से सकारात्मक परिवर्तन संभव है, विनम्रता का विकास होगा। कवि बिहारीदास जी ने क्या खूब लिखा है, नर की और नल नीर की गत एक एक कर जोय, जैतो नीचो बह चले तैतो ऊंचो होए। जिस तरह से नल का नीर यानी नल का पानी पाइप के द्वारा जितना नीचे जाता है उतना ही वह ऊंचा उठ सकता है, ऊपर आ सकता है, उसी तरह से जो व्यक्ति समाज में जितना झुकता है, जितना दूसरों को इज्जत देता है, सम्मान देता है, आदर देता है, उतना ही वह सम्मान, इज्जत, आदर स्वयं भी प्राप्त करता है, सराहना प्राप्त करता है। जितना हम दूसरों को इज्जत, आदर, सम्मान देंगे, उतना ही हमें समाज से इज्जत, आदर एवं सम्मान प्राप्त होता है। तो जो झुकेगा वही उठेगा, सम्मान एवं सराहना में वृद्धि होगी, प्रगति की ओर उन्मुख होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों थैंक्स की, यानी हमारे जीवन में थैंक्स का क्या महत्व है, धन्यवाद का क्या महत्व है। कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा। यदि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव, आभार का भाव होना चाहिए। आभार मानना एवं आभार जताना मानवता की पहचान है। एज ए ह्यूमन बीइंग, यदि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें उसका आभार मानना चाहिए, आभारी होना चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग, यही मानवता की पहचान है। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, चारों तरफ से सहयोग मिलेगा। जब हम आभार जताएंगे, यदि कोई हमारे लिए कुछ करता है, एहसान मंद रहेंगे, कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करेंगे, थैंक्स बोलेंगे, तो हमें हर तरफ से सहयोग मिलेगा, हर कोई हमारी हेल्प के लिए तैयार होगा, तत्पर होगा। सज्जनों का साथ मिलेगा, अच्छे लोगों की संगति मिलेगी, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, सद्गुणों का विकास होगा, आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख होंगे, यानी हम धीरे धीरे करके सेल्फ डिपेंड बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, सफलता, सुख एवं समृद्धि जीवन में प्राप्त होंगे, खुशियां प्राप्त होंगे, सफलता, सुख एवं समृद्धियों का जीवन में आना सुनिश्चित होगा। इसलिए हमें धन्यवाद यानी थैंक्स बोलना चाहिए, हमें सॉरी बोलना चाहिए। कहा भी गया है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही एक दिन बन जाते हैं, इसलिए अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, और बड़ा बने, अच्छा बने। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।